अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मजेदार ब्रेड पफ की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, मेक एंड फ्रीज रेसिपी है। आप इसको बनाकर 10 से 15 दिन तक आसानी से फ्रीजर में स्टोर कर सकती हैं। वैसे भी रमजान आ रहे हैं और अफ्तार पार्टीज के लिए बेहतरीन आइटम है, और इसके अलावा आप नॉर्मल डेज में बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है। 1 कप चिकन से हम इतने सारे ब्रेड पफ बनाकर तैयार करेंगे, तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो चले आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेड पफ बनाने के लिए ब्रेड को कट कर लेते हैं। तो उसके कट करने के लिए आप कोई भी राउंड शेप ले सकते हैं, कुकी कटर ले लें, स्टील का ग्लास कटोरी। तो मैंने यहाँ पर आइसक्रीम कप का यूज किया है, और इसको इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, अच्छे से प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये गोल जो है वो ब्रेड का स्लाइस इस तरह से कट होकर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे जो है वो ब्रेड के स्लाइस को कट कर लेंगे। अच्छा, जो ब्रेड का ये कॉर्नर्स होंगे तो आपने इनको फेंकना नहीं है, ठीक है, आप इसके ब्रेड क्रम्स बना लें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल करके इसके अंदर मैंने चॉप 1 मीडियम साइज की प्याज शामिल करी है। ठीक है, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर इसके अंदर 1 कप चिकन मैंने ली है। अच्छा, मेरे पास जो है वो कीमा था चिकन का, ठीक है, तो अगर आपके पास बॉयल्ड श्रेडेड चिकन है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो बस आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है। जब चिकन जो है वो पिंक टू व्हाइट कलर में चेंज हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर 1 कप के बराबर आलू शामिल कर देना है। तो 1 कप के बराबर आपने आलू बॉइल करके मैश करके आपने वो शामिल कर देने हैं। फिर उसके बाद अपनी मर्जी से कोई भी वेजिटेबल्स आप शामिल कर दें। मैंने इसमें 1/2 कप के बराबर बंद गोभी शामिल करी है, और 1/2 कप के बराबर चॉप शिमला मिर्च इसमें शामिल करी है, और ग्रेट करी हुई मैंने 1/2 कप गाजर इसमें शामिल करी है। ठीक है, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच लाल कुटी मिर्च, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक या हस्बे जायका, और 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो है वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर है तो आप लाजमी इसमें शामिल करिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो अब आप सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप करूंगी, वो ये है कि मैं इसमें लास्ट में फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, अब मैं इसमें चीज इसमें ऐड करूंगी। तो कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ी सी चीज ऐड करनी है, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें 100 ग्राम, 150 ग्राम जितना आपको पसंद आप उसमें वो ऊपर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट बाद जब इसका कवर हटाएंगे तो इसके ऊपर चीज जो है वो सारी मेल्ट हो चुकी होगी। तो बस अब इसको मिक्स करेंगे और इसको निकाल लेंगे। अब जब स्टफिंग जो है हमारी कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारी स्टफिंग जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। तो आपने मैदे की स्लरी बना लेनी है। ठीक है, 4 खाने के चम्मच मैदा लेना है, और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका एक घोल सा तैयार कर लेना है। तो अब आपने जो ब्रेड के स्लाइस को कट किया था ना, तो आपने एक उसका कट करा हुआ पीस लेना है, और उसके ऊपर इस तरह से चारों तरफ आपने मैदे की स्लरी लगानी है अच्छी तरीके से। और उसके बाद आपने 1 खाने का चम्मच जो आपने स्टफिंग तैयार करी थी मजेदार सी, आपने उसके ऊपर 1 खाने का चम्मच उसकी स्टफिंग रखनी है। और फिर आपने दूसरा स्लाइस लेना है, और आपने उसके कॉर्नर्स पे इस तरह से मैदे की स्लरी लगानी है। ठीक है, पर आपने पहला वाला स्लाइस था आपने उसके ऊपर इस तरह से इसको मर्ज करना है अच्छे तरीके से, आपने उसको सील करना है ताकि इसकी सील जो है वो ना खुले फ्राई करते वक्त। और अब आपने इसके अंदर मैदे की स्लरी से इसको पूरा कवर करना है। अच्छा, ये रेसिपी बजट फ्रेंडली है, तो हमने मैदे की स्लरी बनाई है। अगर आप चाहें तो इसकी मैदे की जगह आप अंडा भी यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो अंडा वैसे ही आजकल जो है इतने महंगे हैं, तो हमने मैदे की स्लरी से इसको कोट किया है। उसके बाद फिर आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेना है। तो जो इसके जो कॉर्नर्स रिमूव कर रहे थे हमने ब्रेड के, मैंने उसी से ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। तो देखिए, मेरे पास जो है वो एक ब्रेड पफ रेडी हो गया है। तो मैंने इसी तरीके से सारे जो है वो रेडी कर लिए हैं। तो अब मैं आपको इसको फ्रीज करने का तरीका बताती हूँ। तो आप इस तरह का कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें, और उसके बाद आपने इसके अंदर जो हमने ब्रेड पफ बनाए हैं आपने वो रखने हैं। अच्छा, मेरे पास जो है कंटेनर छोटा है, तो एक दफा में मेरे पास 4 आए हैं, तो मैंने इसलिए 2 कंटेनर लिए हैं। और फिर इसको आपने फ्रीज कर लेना है फ्रीजर में 10 से 15 दिन तक के लिए। और बाकी के जो है मैं आपको उनको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो आपने ऑयल को जो है पहले गर्म कर लेना है अच्छा सा, और उसका फ्लेम जो है वो लो कर देना है। और उसके बाद जो हमने मजेदार से ब्रेड पफ तैयार किए हैं आपने ऑयल के अंदर वो डालने हैं। अगर आप चाहें तो उसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आपने डीप फ्राई ही करना है। तो बस आपने इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इसका वेट करना है, दोनों साइड पे इक्वली गोल्डन कलर आ जाए खूबसूरत सा, तो फिर आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए, मैंने इसी तरीके से सारे जो है वो ब्रेड पफ तैयार कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बहुत ही
जबरदस्त ब्रेड पफ हमारे रेडी है। तो एक दफा आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। सबसे बड़ी बात, बजट फ्रेंडली रेसिपी है और रमजान में बिल्कुल एक न्यू स्नैक हो जाएगा। तो एक दफा आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। और नॉर्मल डेज में आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, बर्थडे पार्टीज और एनी गेट टुगेदर पार्टीज के लिए बेहतरीन स्नैक है। सो ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी जल्दी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम बड़ी से बड़ी अपनी यूट्यूब फैमिली बना सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।